रामपुर पंचायत के वार्ड सदस्य उम्मीदवार मोहम्मद अंजर आलम ने पर्चा दाखिल किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज। मैं मोहम्मद इरफान आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। बुगरी रामपुर पंचायत वार्ड नंबर 8 के वार्ड सदस्य मोहम्मद अंजर आलम ने चुनावी मुद्दा पर खास चर्चा। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अंजर आलम। आपका घर? रामपुर। किस पद से उम्मीदवारी कर रहे हैं? वार्ड पद से उम्मीदवारी का पहला नामांकन कराया। अच्छा, क्या ऐसे जरूरत आन पड़े, क्या ऐसे आवश्यकता आन पड़े जो आपको इस पद के लिए जनता के बीच सेवा करने के लिए आप आ रहे हैं? हम सर जब अगले 5 वर्ष में नामांकन कराना चाह रहे थे तो शादी के दबाव के कारण हमको बैठा दिया गया। अच्छा, तो अभी वर्तमान जितना वार्ड तो एक्टिव नहीं। अच्छा अच्छा, इसके कारण हमको मजबूरन नामांकन कराना पड़ा। ठीक है, और जो विवाहित लड़की है जिसका कि कुमारी में नाम राशन कार्ड में जोड़ा देता है, उसके कारण जब उसकी शादी हो जाती है तो उसका राशन कार्ड बनने का कोई चांस नहीं रहता है, जिसके कारण रिजेक्ट हो जाता है। तो हम नाजिक साहब से पूछे थे जाके ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नाबालिग जब बालिग होती है लड़की, नाबालिके में उसके नाम को अंकित कर दिया जाता है, माँ बाप माँ बाप के श्रेणी में जोड़ दिया जाता है। जब ब्याह होता है उसका तो उसका नाम कट नहीं पाता है, नहीं यहाँ का आदमी जो है प्रतिनिधि का नाम नहीं कट पाता है, जिसके कारण जो है राशन कार्ड बनने में बहुत दिक्कत होती है। और जब मैं संकल्प लिए हैं कि जब मैं अपना वार्ड नामांकन से जीत जाऊँगा तो पहला कार्य ये नाम हटाने का करूँगा, दूसरा कार्य राशन कार्ड बनवाने का करूँगा, तीसरे कार्य मेरा होगा इंदिरा आवास, और उस पर ज़्यादा मेरा फोकस होगा। उस पर क्यों फोकस रहेगा? इसलिए फोकस होगा, जो गरीब आदमी है वो वंचित रह जाता है। अच्छा अच्छा, और उसमें जो पैसे वाले होता है घुस घाल देके अपना श्रेणी को ऊपर कर लेता है। ऐसा हुआ है क्या आपके वार्ड में? बहुत हुआ है और इसका प्रमाण भी है मेरे पास। ठीक ठीक है, वो तो प्रमाण आगे हम पूछेंगे। फिलहाल आप ये बताएं, आपका किस वार्ड के आप वार्ड सदस्य उम्मीदवारी कर रहे हैं? 8 नंबर वार्ड से, रामपुर वार्ड नंबर 8 नंबर वार्ड। तो 8 नंबर वार्ड के विकास की थोड़ा सा कुछ चर्चा बताएं, कहाँ कहाँ रोड बना, नाला बना, क्या बना वार्ड का? विकास हुआ मैंने सही स्तर से विकास नहीं हुआ है। अच्छा, दूसरा नंबर है कि जैसे भी हुआ सभी मिली भगत से अच्छा खराब जो भी है कर दिया, क्योंकि हम तो प्रतिनिधि है नहीं जो उसका विरोध करेंगे, क्या उसका आवाज़ को किधर उठाएंगे। अरे हम आपकी प्रतिनिधि की बात नहीं कर रहे हैं, आप जनता है ना। सबसे पहले आप हैं क्या? जनता। जनता को खुश करने के लिए प्रतिनिधि काम करता है। सही बात है, चूँकि काम करता है तो आपके क्षेत्र में आपके वार्ड नंबर 8 में कितना काम हुआ जनता के लिए, यही खाली बताइए। जनता के लिए लाला रोड जो मैंने बना है, कौन धस गया है, कौन कुछ हो गया है, 2 नंबर का ईटा लगाया गया है। अच्छा अच्छा, फिर भी जो है हम सब लोग बोले चलिए ढंग से ही काम कर दीजिए, अच्छा से कर दीजिए। जब सारा लोग देखे कि उसका विरोध नहीं कर रहा है तो हम लोग कुछ नहीं बोले, चलिए जो अच्छा लगता है वो कर दीजिए। चलिए, फिर पुनः जनादेश आपको मिलता है तो क्या कहिएगा? पुनः जनादेश मिलता है हमको तो हम अच्छा कार्य करेंगे, समाज के बीच रहेंगे 5 साल और समाज को दुख तकलीफ में हमेशा साथ रहेंगे, उसकी जो भी समस्या होगा उसका हल करेंगे। चलिए, धन्यवाद।